हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम दिखने वाले हैं पवन सिंह के खेत में खेसरिया अहिर लेत रहे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह बुलेट राजा बॉय सुने। तो चलिए आज देखते हैं कैसी वीडियो होने वाली है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर एक बार जरूर चेक करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। हाय हाय साला, लोग ठीक पहला कि कुत्ता के पूंछ में तू केतनो तेल लगा लेब, उ कहियो सीधे ना होइए। भोजपुरी के सिंगर सके केतनो तू माई बहिने क देब, आ ओकनी के गाना के तू केतनो विरोध क लेब, मगर ओकनी के कहियो असली गाना गाइल ना छोड़िए। सन पवन सिंह के खेत में खेसरिया अहिर लेत रहे, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। पवन सिंह के खेत में खेसरिया अहिर लेत रहे, क्या गाना गाए हो आप? आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। तो ई ला हमारे तरफ से अवार्ड, जूता चप्पल के माला। आप इसी अवार्ड लायक हो, इसीलिए मैं आपको इस अवार्ड से सम्मानित कर रहा हूँ। लगावा हो जगदेव चगनवा। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन। तो का हाल बा भाई लोग, हम हो ये दुनिया के सबसे बर्बाद इंसान, और आज हम स्पेशल रोस्ट करे वाला बानी बुलेट राजा के। जैसा इसका नाम है ना बुलेट राजा, और सही गाना गाता है बुलेट की तरह। क्या मगर क्या करोगे, गलती से भाई के पास मीडिया पहुंच जाती है और पूछती है, बताइए आप जो ये गाना गाए हैं इस गाने का अर्थ क्या होगा? नहीं तो बुलेट राजा गाना के माध्यम से क्या क्या गा देते, आई डोंट नो। हम एगो चुतिया है भोजपुरी चीज में, चुतिया हम ही है। कौन चुतिया? आप लोग नहीं है? हाँ, पहले लड़ लो, उसके बाद बुलेट राजा का इंटरव्यू लेना। और बुलेट राजा एक साधारण सी बात कहते हैं, मतलब मिला जुला के सब गाना गाते हैं। सच बोलता, सच बोलता। हम भाई का शुरुआत से ही गाना सुनते हैं, और भाई ये गाना गाए थे। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। इतना ही नहीं भाई, इससे भी अच्छा अच्छा गाना गाता है। लगावाओ जगदेव चा गनवा, लगावाओ, पब्लिक के डिमांड बा। देखो, कोई होता है थेथर, कोई होता है लथखोर, कोई होता है हरामी, कोई होता है लंट, कोई होता है सुअर का बच्चा, और कोई होता है माधर चोद, और सभी गुणवा इसके अंदर है। पूछो कैसे, जब तू नाम लिखोइब गवार स्कूल में, या जब तू पढ़े जेब ज्ञान की स्कूल में, तो का वहाँ का पढ़ाई तेरा समझ में आई? तो ये ससुरा साल में 25 को भक्ति सॉन्ग गाता है और कहता है कि हमारा कोई अच्छा गाना सुनता ही नहीं है। तो रे भरुआ, जब तू गंदा गाना गाएगा तो तेरा अच्छा गाना लोग कहाँ से सुनेंगे? साल में 150 गंदा गाना गाएगा, 25 को भक्ति सॉन्ग गाएगा, तो लोग तो यही जानते हैं कि तू गंदा गाना गाता है, कभी भी अच्छा गाना नहीं गाता है। और तू ही तो लोग के मन में सोच डाला है कि भैया हम बहुत बुरे सिंगर हैं, और जब भी गाते हैं तो ढोरी लहंगा चोली पर ही गाते हैं, तो तेरा अच्छा गाना लोग कहाँ से सुनेंगे? एक मिनट, बेटी चोद, माधर चोद, तू गाना के माध्यम से किसी धर्म का मजा क्यों उड़ाता है रे? जगदेव चकेने गोइल हमार हकिया। देखो भैया, अगर जी आप हिंदू होंगे और जब आप पूजा पाठ करते होंगे तो आशीर्वाद प्रसाद चंदन और नमस्कार, ये हिंदू धर्म में प्रमुख पूजा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। लेकिन भैंस चरवैया सिंगर जौन अश्लील गाना गायल हसन, ओकनी के गाना के माध्यम से इस शब्द इस्तेमाल करके हिंदू धर्म के मजाक उड़ावतारन सन। यही नहीं, अभी और सुनिए, अभी और सुनो। अब तुम ही लोग बताओ लोग, कि ऐसा ऐसा सिंगर के गदा पर बैठा के, जूता चप्पल के माला पहना के, अब पांच क्यों में घुमाओ जाओ, तो का गलत बात बा कि सही बात बा? आज जब किसी से पूछा जाला कि भाई आप अश्लील गाना क्यों गाते हो, तो जानते हो लोग क्या कहते हैं? नहीं जानते हो तो ये वीडियो देखो। हम मनवे नहीं करेंगे कि हम अश्लील गाए हैं। तू मनवा ना, हम मनवा देम बाबू। ओ तनी के सब हम ड्रामा जानता नहीं, ढोरी चोली लहंगा पे गाना गाता सन, और जब मीडिया आके वो गाना के अर्थ पूछता तो तनी के झूठ मूठ के बीमार पड़ जाता रह सन, और कहता रह सन। हम यही जानते हैं कि आप किस नजरिया से देख रहे हैं। आप जिस कलर का चश्मा लगाइएगा ना, उसी कलर का आपको दिखाई देगा। कैसे? तुम साला अश्लील गाना गाओगे तो कहां हमको भजन सुनाई देगा? तुम साला वीडियो में ढोल चाटोगे तो कहां हमको रसगुल्ला चाटते हुए दिखाई दोगे? कि देखने का नजरिया जो है ना, वो साफ रहना चाहिए।
तो आपको हर चीज साफ दिखेगा। अच्छा ससुरा दिखाओ कुछ और, दिखाइए कुछ और, गाओ कुछ और, सुनाइए कुछ और, दिखाओ आसमान लुगे के जमीन मुहा पर उल्लू लिखा है तबे उल्लू बनाते हो, और उस सारा बुलेट कहता है हमको दूध के धोल थोड़े हम कोनो बनी हमु तो वे करब जन सब के ऊपर त देखिए के करो। अच्छा फलाना घर में अगर जे बाइक की नहीं त तोरो घर में बाइक की नहीं, अगर जे फलाना घर में के हम मर जे त तोरो घर में के हम मर जई, ई दुनिया के देख के चलबनु त भाड़ में चल जइबो ना, अगर जे दुनिया नाली में कूद जई त तू नाली में कूद जइबो। दुनिया कूद जाएगा तो हम अकेले बैठ के का करेंगे, हम भी कूद जाएंगे। ई ससुरा चलहाक है। अच्छा भोजपुरी का नाम खराब हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई नाम खराब नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फट चला, गंदा गाना गाने से भोजपुरी का नाम खराब नहीं हो रहा है, नाम सब लोग छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ देंगे। अच्छा सब लोग पागल हो जाएंगे तो तू भी पागल हो जाएगा? पागल हो जाएंगे, हम भी पागल हो जाएंगे, सब पागल हो जाएगा तो हम उस पागल के बीच में हम भी तो पागल होंगे, समझाते समझाते हम भी उसी में पागल हो जाएंगे। भाई क्या भी बात ठीक है, ये एगो भोजपुरी में ऐसा सिंगर नहीं थे जो अश्लील गाना गायला, भोजपुरी में बहुत ऐसा सिंगर बान जो अश्लील गाना गायलन, और सिंपल सा बात था कि अगर जो पब्लिक गोबर खरीदे के चाहता तो एक गोबर बेचता सन, आ लोग अश्लील गाना सुने के चाहता तबे न एक अश्लील गाना गाता सन, आ ना तो अश्लील गाना पर 100 मिलियन 50 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन से आ जाता, आ ना तो जहिया पब्लिक अश्लील गाना के बाइकॉट कर लगी वही दिन एक हम पाजा में ले जाके बजा फाड़ दे। तब बस भाई लोग वीडियो यहीं पे खत्म होता, तालू के वीडियो कैसे लगा प्लीज तू लोग यार कमेंट करके जरूर बताओ लोग, और अगर जो तू लोग हमसे बातचीत करके चाहते लोग तो जा लोग हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो लोग बॉयस में सर्च मार के, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम बाय 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 बाय। देखो इसमें पूरी बात मुझे समझ आई है भैया, वो सबसे बेस्ट पॉइंट जो लगा है कि अगर लोग चाहेंगे, लोग बॉयकॉट करना चाहेंगे अश्लील गानों को तो क्यों गाएगा सिंगर, उन पे 10 मिलियंस 50 मिलियंस व्यू है तभी तो गा रहे भैया। मैं उसमें किसी भी पर्टिकुलर सिंगर की बात नहीं कर रही हूँ, खैर इसमें जो बताया गया है बुलेट राजा ने जिस गाने से डेब्यू किया था, जो गाना उनका फर्स्ट था, वो सारे ही ऐसे हैं भैया। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जिस कलर का चश्मा लगाओगे उसी कलर की दुनिया दिखेगी मानते हैं, लेकिन अगर आप लाल कलर का चश्मा लगाकर गोबर देखोगे तो रहेगा तो गोबर ही ना, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ अवार्ड बन जाएगा या कुछ फ्लावर्स बन जाएंगे, रहेगा तो वो गोबर ही। तो वो चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। पवन भैया की मैं बात करूँ तो पवन भैया जो कि उन्होंने बोला है कि जिस अपनी नज़र साफ़ होनी चाहिए, मतलब देखने का नज़रिया अपना साफ़ होना चाहिए, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें साफ़ लगेंगी, वो चीज़ मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पहल जो बड़े लोग हैं, मतलब जिनको समाज फॉलो करता है, पूरी इंडस्ट्री उनसे चलती है, लाइक पवन भैया हैं, खेसारी भैया हैं, प्रमोद प्रेमी हैं, राज भाई हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, वो गाना चाहे अश्लील ना भी हो, ठीक है, तब भी मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, अगर वो लोग सामने आए इन चीज़ों को लेकर कि भैया ये चीज़ भोजपुरी में नहीं होगी, ऐसा नहीं करने देंगे, तभी ये चीज़ होगी। पता है मुझे ये लगता है कि जो भोजपुरी समाज है उसमें रिश्ते की मायने ना बहुत हैं, ठीक है, जो मूवीज़ आती थी, जो पहले हम लोग मूवीज़ देखते थे उनमें ऐसी मूवीज़ होती थी कि हम फैमिली के साथ बेझिझक बैठ के देख सकते थे, अभी भी मूवीज़ जो आती हैं बहुत सही आती हैं, पूरी फैमिली मूवी होती है वो आप बैठ के देख सकते हैं, चाहे आपके साथ भाई हो, बहन हो, देवर हो, भाभी हो, जेठ हो, जेठानी हो, ससुर एक्स वाई जेड कोई भी हो फैमिली मेंबर, आप देख सकते हैं। लेकिन आजकल गाने ऐसे आ रहे हैं यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। आप एक बात बताओ कि जो गाना इनका था नन्नी नन्नी बात धीरे धीरे दबाओ, पता नहीं क्या क्या था भैया, तो वो कैसे सही हो सकता है, मतलब उसमें चश्मा कहाँ है भैया, वो डबल मीनिंग जब तुम खुद गा रहे हो तो उसमें चश्मा की या कोई ओपिनियन की तो बात है ही नहीं, ये तो खुद ही समझ आ रहा है। तो पहली चीज़ तो सिंगर्स को ये करना चाहिए, अगर उनके पास कोई ऐसा राइटर सॉन्ग लेके आ रहा है भैया जो अश्लील है, मतलब डबल मीनिंग है, थोड़ा लाइन से हटके है, मतलब आप उसको बोल सकते हैं कि मतलब जो एक लिमिट होती है उससे नीचे है, तो भैया मत गाइए, आप मत नाम खराब कीजिए, और फिर आपके यहाँ इंटरव्यू लेने जाते हैं तो
उनसे आप बहस कर रहे हैं, वो चीज मुझे भी बुरी लगी। देखो आशीर्वाद हुआ, चंदन का तिलक है, प्रसाद है, ये कोई तरीका नहीं होता इन वर्डों को यूज करने से पहले। मतलब मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रही, ये जो पूजनीय चीजें हैं, चाहे वो मेरे धर्म की हो चाहे वो किसी दूसरे धर्म की हो, भैया पूजनीय चीजें जो हैं वो पूजनीय ही हैं, ठीक है। चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो या गीता हो, मेरे लिए तीनों इक्वल हैं। किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो बनवा का प्रसाद ले लो का क्या मतलब होता है आप खुद ही बताओ। लहंगा उठा के आशीर्वाद, पता है मुझे ये लगा था जब मैंने पीछे एक इंटरव्यू देखा था इनका, बुलेट राजा जी का, तो उसमें एक जो जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बोला था कि आप अपने पेरेंट्स का जो आशीर्वाद है, मतलब अपनी माँ का आशीर्वाद, अपनी भाभी का आशीर्वाद लहंगा उठा के लेते हैं, तो वो चीज़ मुझे गलत लगी थी उनकी। बट मुझे ये नहीं पता था कि ये लाइन कहाँ से आई है। बुलेट राजा जी का जो गाना है ये उसी की लाइन से उन्होंने लिया था। तो मैं खैर अभी भी उनको जस्टिफाई नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरीके का सवाल भाई किसी के लिए भी गलत है, चाहे उन्होंने गाना कैसा भी गाया, एक्स वाई जेड आई डोंट केयर, बट मुझे ये जो सवाल है वो गलत लगा। इस तरीके के सवाल पूछने का हक किसी को नहीं है, और ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। बाकी यार मुझे तो ये वीडियो बहुत पसंद आई, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर रिएक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हाँ अगर आप लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।